जी नमस्कार, आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा। ऊना क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उनकी एक नर्सरी भी कहा जाता है। जब प्रदेश में इंटरनेशनल जो स्टेडियम धर्मशाला है वो उसका अस्तित्व नहीं था, नौगांव में बिलासपुर में स्टेडियम नहीं थे, तो ऊना का ही इंदिरा स्टेडियम एक ऐसा प्रदेश का खेल मैदान था जहाँ पर क्रिकेट की पूरे प्रदेश की गतिविधियाँ यहाँ होती थी। तमाम जो देश के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं कहीं न कहीं रणजी और दूसरे मैचेस यहाँ खेल चुके हैं। देखिए आज यहाँ पे एक ट्रायल हो रहा है अंडर 16 बच्चों के लिए और इसी प्रकार से लगातार यहाँ पे ट्रायल चलते रहते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन में किस प्रकार से जो खिलाड़ी हैं यहाँ अपना प्रदर्शन करते हैं और लगातार अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है और कैंप में और कैंप में सिलेक्शन के बाद लगातार ये अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। इसी ये खिलाड़ियों व टीम के लिए होता है। तो अंडर 19 का भी यहाँ पे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का ट्रायल हुआ था और अब ये अंडर 16 जो अभी खिलाड़ियों का चयन होगा ट्रायल हो रहा है और यहाँ पे लगातार जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं। कहाँ से हैं आप बेटा जी? क्या नाम है? कब से क्रिकेट खेलते हैं? 2 साल। तो अभी यहाँ पे किस लिए आए हैं? ट्रायल है। तो क्या आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बॉलर या बैट्समैन? जी कौन से जो खिलाड़ी हैं आपके पसंदीदा हैं? विराट कोहली जी। क्या नाम है आपका? आरव। क्या कहाँ से हो बेटा जी? कब से खेलते हैं क्रिकेट? 4 साल से। तो अभी क्या बॉलर या बैट्समैन? ऑलराउंडर जी। आपका जी कहाँ से है? रक्कर से। हो गया ट्रायल? क्या लगता है आपको सिलेक्ट हो जाएंगे? दिव्यांश। कहाँ से? जी। कब से खेलते हैं क्रिकेट? 3 साल जी। हो गया ट्रायल आपका? तो देखिए कैसे ये जो प्लेयर्स हैं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं से इनका चयन होगा, कैंप के लिए होगा, उसके बाद टीम बनेगी और ये पूरे बात करें तो हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे, यहीं से रणजी के लिए निकलेंगे। तो क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी है किस कदर है आप देख रहे हैं इंदिरा स्टेडियम से लाइव अंडर 16। तो इंदिरा स्टेडियम से आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं और ये तमाम जो खिलाड़ी हैं अंडर 16 कैंप में यहाँ चयन होगा, उसके लिए ट्रायल देने के लिए पहुँचे हैं और पूरी तैयारी के साथ इनका सपना है कि क्रिकेट के जरिए अपना भविष्य संवारना और देश के लिए खेलना। तो लगातार इंदिरा स्टेडियम में इस प्रकार से जो ट्रायल हैं वो चलते हैं और इसमें तमाम जो खिलाड़ी हैं
अपना जो प्रदर्शन है वो करते हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मदनपुरी हैं। सर, आज जो ट्रायल है वो किस लिए रखा गया है और इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा सीजन 2024-25 के लिए अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 7 अप्रैल से प्रदेश के 4 स्थानों में खेला जा रहा है। मेरा ग्राउंड संतोषगढ़ के PCBA अमतर में मीरपुर ग्राउंड मीरपुर डिस्ट्रिक्ट का और बिलासपुर लोहनी ग्राउंड में खेले जा रहे हैं। उसी के तहत जिला अमला की टीम गठन के लिए आज यहां पे ट्रायल रखे गए हैं जिसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया है। ट्रायल के आधार पर 30 बच्चों की सिलेक्शन 10 दिन तक कैंप का आयोजन होगा उसके लिए रखे जाएंगे। जी धन्यवाद। तो 100 जो बाल खिलाड़ी हैं यहाँ पे पहुंचे हैं, इनमें से 30 का चयन होगा, कैंप लगेगा और उसके बाद टीम बनेगी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से उत्साह है इन खिलाड़ियों में, क्रिकेट के प्रति किस प्रकार की दीवानगी है। 100 जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे इनरोल हुए हैं और ये टीम बनेगी प्रदेश स्तरीय, ये खेलेगी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अंडर 16। तो इस तरीके से यहाँ पे बारी बारी से ट्रायल हो रहा है, कौन सा बैट्समैन कौन सा बॉलर किस प्रकार की खेल, और इसी के आधार पर चयनकर्ता जो निर्णय है वो लेंगे और उसमें टीम का जो चयन है वो होगा। तो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, प्रशांत कंडियार जी, नशे से दूर रहो, स्पोर्ट्स खेलो, बिल्कुल ये सही संदेश है। सबसे बड़ी जो समस्या आज समाज है, समाज में, वो नशे को लेकर है। ऐसे में खेलों के जरिए जुड़कर अपना भविष्य भी संवारा जा सकता है और नशे को भी अलविदा कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये इंदिरा स्टेडियम है ऊना का और पूर्वी प्रदेश में ये विख्यात है खेलों के लिए, मल्टीपर्पज जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लेकिन क्रिकेट की एक तरीके से ये नर्सरी रहा है। धर्मशाला में जब स्टेडियम नहीं था, अमतर नदौन और लूणू बिलासपुर में, तो यही एकमात्र जो स्टेडियम था वो खिलाड़ियों की पहली पसंद रहा है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि अंडर 19 कब से हो रहा है, तो इसकी भी आपको जानकारी देंगे। अभी अंडर 16 के लिए ये चयन होगा और ये जो टीमें हैं ये बनेंगी और अपना प्रदर्शन करेंगी। तो आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा।